चलो, तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बताओ। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ यस इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, अक्रॉस अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान रहे, है ना, ये ध्यान रखना है, फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक एरिया है, एक ए, ऐसा एक एरिया है, ठीक, और इधर कुछ क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, इस एरिया को क्रॉस कर रहा है ना, लेफ्ट से राइट, है ना, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, और टाइम डेल्टा टी लग रहा है अगर, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा बताओ। एवरेज करंट आई एवरेज विल बी क्यू इक्वल बाय टू क्या डेल्टा होगा, टी, क्यू बाय डेल्टा टी, क्यूब है अपॉन, हाँ सर, ना, या डेल्टा क्यू चार्ज मान लेते हैं, है ना, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है अगर, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी मान सकते हैं ऐसे, है हाँ सर, ना, डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। अच्छा, तो एवरेज करंट से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डीक्यू बाय डीटी, डिफरेंशिएट। यस, डीक्यू बाय डीटी, इंस्टेंटेनियस करंट में क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, जीरो यस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मानते हो, तो सर, इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, डी क्यू डीटी बाय डी टी, क्यों, डीटी, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट हमारा, है कि नहीं। हाँ अच्छा, सर, अब आगे इसमें क्या होता है, करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, बट इट इज स्टिल नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्टिल नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इट डज नॉट फॉलो, ठीक है, द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, वो ट्रायंगल लॉ होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, तो वो ये रूल्स नहीं फॉलो करता। नहीं करता है, ठीक है, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग टेंसर्स, ठीक है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, जेई के लेवल पे या नीट के लेवल पे, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड, कैसी क्वांटिटीज बोलो, यस, टेंसर क्वांटिटीज, यस। अच्छा चलो, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान रहे, एंड ऑपोजिट टू, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के उल्टा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, है ना, मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, इसमें 5 कूलम्ब इधर से इधर गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेगा, और -5 कूलम राइट टू लेफ्ट गया, समझ में आई बात, ठीक है,
समझ रहे हो? हाँ सर। सपोज थ्रू द गिवन एरिया है ना, द चार्जेस आर फ्लोइंग लाइक दिस, तो नेट आर फ्लोइंग लाइक दिस एंड टाइम टेकन लेट्स से 2 सेकेंड है, ठीक है? टाइम मान लेते हैं, क्या मान लें, लेट अस से दैट द टाइम टेकन इज टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, यस। करंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एवरेज करंट? जीरो होगा सर शायद। जीरो होगा कैसे, अभी क्या सिखा रहे हैं? फाइव होगा, 5 एम्पियर, कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं ना, ऐसा यूनिट। करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज मूविंग किधर होगा? राइट साइड। यस, लेफ्ट राइट साइड होगा। Right charge is to the right. Yes. Yes, sir. अच्छा, current due to negative moving charge किधर होगा? Right side. Current due to negative moving charge जो होगा, will also be to the right. समझ में आई बात? हाँ sir. अभी क्या सिखाया था मैंने? कि नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के क्या होगा, बोलो? करंट नेगेटिव अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है? लेफ्ट को। तो करंट किधर होगा? राइट को। राइट, राइट साइड। समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर, समझा। हेंस वी कैन से that this is equivalent to 5 plus 5 coulomb है ना, moving to the right, मानते हो? हाँ सर। नेट चार्ज मूविंग टू द राइट कितना हो गया? 10। यस, आई बात समझ में? यस सर। नेट चार्ज मूविंग टू द राइट इज इक्वल टू 10 कूलम है ना, हेंस नेट करंट इज इक्वल टू, बोलो कितना? 5। 10 कूलम बाय 2 सेकेंड है ना, तो 5 कूलम पर सेकेंड, मतलब ये हो गया 5 एम्पियर बोलते हैं इसको, ठीक है? यस सर। 5 ए एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? करंट। एम्पियर डिनोटेड बाय ए इज द SI unit of current. Clear? हाँ सर। 1 ampere is 1 coulomb per second. Yes. Yes sir. Ampere is 1 coulomb per second. Yes. चल, अच्छा। अब एक दूसरी चीज define करूँगा मैं। थोड़ा ध्यान से हो जाए, है ना? Current density. करंट डेंसिटी, ठीक। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रहे। करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय दिस, इसको ऐसा डिनोट करूंगा मैं, देखना ध्यान से, जे वेक्टर, ठीक है? डिनोटेड बाय जे वेक्टर
is a vector quantity. ठीक है, it has the same direction as the current. ठीक है, current scalar है लेकिन current density कैसा, sorry current scalar नहीं, current tensor है लेकिन current density जो है वो vector quantity है और उसका direction वही होगा जो current का direction होगा. अब देखते हैं क्या होता है ये, ना define करते हैं इसको. मान लो एक area है, let us define current density. मान लो एक एरिया है A, ऐसा ठीक, और इसमें ऐसा करंट जा रहा है, करंट ऐसा, ये करंट I है. ठीक है, सवाल ये उठता है, ये एरिया है, अब ये बताओ मुझे कि ये जो एरिया है क्या ये करंट के परपेंडिकुलर है क्या? बोलो, इज दिस एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो? बोलो. हाँ सर. हर बार नहीं होगा ना? नहीं है ना, कहाँ परपेंडिकुलर है यार, टिल्टेड है. नहीं होगा. नहीं है, टिल्टेड है. हाँ टिल्टेड है. यस सर. नो, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, इस एरिया का, एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे किधर, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो. समझ में आई बात? यहां देखो, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे. समझ में आई बात? हां सर. किधर? अलोंग परपेंडिकुलर टू द, यस ये है इसका प्रोजेक्शन. किस डायरेक्शन में? Perpendicular. प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू आई चार्ज. ठीक है, चार्ज नहीं, करंट. हाँ सर. ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे ए परपेंडिकुलर. ठीक, हमें मैं बात सर, हम आई को ही परपेंडिकुलर नहीं ले सकते क्या? इसको आई को, आई को परपेंडिकुलर नहीं लेंगे. ठीक है, ओके, तो क्या होगा बताओ. सो जे का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे जो करंट डेंसिटी वेक्टर है, जे का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आई अपॉन एरिया परपेंडिकुलर. क्लियर? हाँ सर. अच्छा, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. मान लो ये मेरा, अब इसको सामने से देखता हूं मैं. ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द फ्रंट व्यू. ठीक है, फ्रंट व्यू पे एक लुक लिया जाए, है कि नहीं? तो फ्रंट व्यू पे अगर हम लुक लेंगे एक, तो फ्रंट व्यू कैसा है, सामने से ना वो जो एरिया है वो अपने को एक सीधा एक लाइन दिखेगा, नहीं ऐसा? हाँ सर. इसको सामने से देखोगे, ये एरिया एक्चुअली इनटू द प्लेन है, लेकिन तुम अगर सामने से देखोगे तो तुमको सिर्फ एक ऐसा दिखेगा, लाइन दिखेगा, है कि नहीं? सर नहीं समझा. नहीं समझे? अरे ये एक्चुअली ऐसा है. हाँ सर. नहीं, कोई प्लेट है, प्लेट को तुम सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा वो, वैसा? साइड से देखोगे. हाँ. प्लेट को साइड से देखो, सिर्फ उसका वो दिखेगा ना, थिकनेस दिखेगा, प्लेट का वो लेंथ, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिखेगा ना? हाँ सर, नहीं दिखेगा. समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर. सबको पक्का? यस सर. एरिया है और ये है एरिया परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये है मेरा क्या, करंट का डायरेक्शन. मान लेते ये एंगल है थीटा. ठीक है, तो जे क्या लिखूंगा मैं? आई अपॉन ए परपेंडिकुलर कॉस थीटा. आई अपॉन ए परपेंडिकुलर. अब ए परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, उसको ए कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं? हाँ सर.
आई अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, समझ में आई बात? यस सर। तो आई जो होगा वो क्या होगा, जे ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर बोलो। हाँ सर। चलो अब एक काम करते हैं और, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये मेरा एरिया था ना ए, ठीक है? इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, याद है सिखाया था मैंने एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर ले सकता हूं मैं, ऐसा बोलो। हाँ सर। और ये मेरा क्या था, ये था मेरा करंट का डायरेक्शन, है ना? करंट का डायरेक्शन था भी वही, और तो जो करंट का डायरेक्शन है वही मेरा जे का भी डायरेक्शन होगा क्या? हाँ सर। अभी बताया था ना। हाँ और ये सर, एंगल कितना लिया था हमने, थीटा लिया था, थीटा। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, ये 91 थीटा हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया, जे और ए के बीच में कितना एंगल हुआ, जे और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हुआ? थीटा। ये थीटा हो जाएगा ना, नहीं समझे, ये 91 थीटा है, ये वाला हाँ सर थीटा होगा सर वो। हाँ ये वाला 91 थीटा हुआ, तो ये वाला थीटा होगा ना। हाँ थीटा होगा। हाँ ए वेक्टर और ए वेक्टर में कितना एंगल हुआ ये बताओ। जे वेक्टर थीटा होगा ना। थीटा होगा। तो I is equal to, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जे कॉस थीटा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ सर। यस बोलो। हाँ सर। I को लिख सकता हूँ मैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एकदम ही सिंपल हो गया, क्लियर? तो आई कैन बी रिटन एज करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, क्लियर? हाँ सर। है ना? अच्छा हमको इसका टेंशन नहीं लेना है, है ना? वी विल नॉट हैव टू वरी मच अबाउट दिस करंट डेंसिटी वेक्टर, है ना? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, है ना, जितने भी केसेस अपने को मिलेंगे, ऑल द केसेस दैट वी विल इनकाउंटर विल हैव करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है? ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, मतलब करंट हमेशा कैसा रहेगा, हम जो केसेस देखेंगे ना उसमें क्या रहेगा, उसमें ऐसा रहेगा कि एरिया ये है, ये अगर एरिया है तो करंट कैसा रहेगा, ये करंट ऐसा रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो ए ए परपेंडिकुलर और ए दोनों सेम ही रहेंगे, समझ में आई बात? बोलो। सो ए एंड ए परपेंडिकुलर विल बी द सेम इन दिस केस, क्लियर? कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आई बात? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिक चीजें हमारे करंट की समझ में आ गई सबको, है कि नहीं? हाँ सर।